my dear students today i will tell you about the nutrition implant as you know that all the living beings they need food for their survival and this food is obtained from plants and animals so food is the essential and basic need of the life the process of the process of taking in the process of taking in of फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन by द बॉडी इज कॉल्ड nutrition. हम भोजन को कैसे लेते हैं और लेने के बाद उसका उपयोग कैसे करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन भोजन का लेने का तरीका और लेने के बाद उसको कैसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है दिस विल इन्क्लूड द न्यूट्रिशन इस पर ध्यान दीजिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आप करते हो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है फूड मटेरियल का लेना और बॉडी के अंदर उसका प्रोसेस करके उससे एनर्जी पैदा करना और उसका उपयोग करना इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन अब आप डिफिनेशन फिर से देखो इस डिफिनेशन को द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन बेसिक लाइफ प्रोसेस टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर जो शरीर के अंदर बेसिक लाइफ प्रोसेस ज़िंदा रहने के लिए जो क्रियाएँ होती हैं जो प्रोसेस होता है वो क्या क्या हैं पहला है न्यूट्रिशन भोजन का लेना उसका यूटिलाइज करना रिस्परेशन ऑक्सीजन का लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना एक्सक्रीशन बॉडी के अंदर जो टूट फूट हो रही है जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं जो भी आ, चीज़ें हो रही हैं उनको हम कैसे जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन इसके बाद ग्रोथ है आप बचपन में छोटे होते हो फिर धीरे धीरे जवान होते हो फिर बुढ़े होते हो तो ग्रोथ ग्रोथ कैसे होती है बॉडी के अंदर बराबर होती रहती है ऑर्गन बढ़ते हैं आपका लेग बढ़ता है हर चीज़ में ग्रोथ होती है ये भी बेसिक लाइफ प्रोसेस है नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अपने जैसे जीव को अगली जनरेशन के लिए उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है मूवमेंट हर जीव मूवमेंट करता है रिस्पॉन्स टू स्टमिलाई कोई भी इस्टुमिलाई है कोई भी स्मेल है उसको आप जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है उसे जो भी चीज़ें आप परसीव करते हो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स बाई द सेंस ऑर्गन्स तो ये प्रोसेस जो हैं ये बेसिक प्रोसेस हैं लाइफ के ज़िंदा रहने के लिए और इन प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता हो होती है जैसे घर में बिजली जलाने के लिए आपको बल्ब की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से ये बेसिक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी कहाँ से आता है फूड मटेरियल से आता है अब प्लांट्स में फूड मटेरियल प्लांट्स कैसे लेते हैं और कैसे उसका प्रोसेस करते हैं और उनको ऊर्जा कैसे मिलती है एक बीज जमीन में गाड़ दो अंकुरित होगा फिर वो प्लांट बनेगा प्लांट बनने के बाद उसमें फूल आएंगे फल आएंगे, पत्तियाँ आएंगी। तो इस तरह से उनका ग्रोथ होता है यही लाइफ प्रोसेस है इसके लिए ऊर्जा चाहिए अब पौधे में न्यूट्रिशन भोजन कैसे लेते हैं और कैसे जो है ये उसको उसका प्रोसेस करते हैं अब देखिए मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रेशन आप कर सकते हो पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ऑटो माने ऑटोमेटिक होता है अपने आप मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस फोटोसेंथिसिस के प्रोसेस से वो अपना भोजन को बनाते हैं पकाते नहीं हैं दे मेक देअर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दूसरे हैं हेट्रोट्राफिक न्यूट्रीशन हेट्रोट्राफिक न्यूट्रीशन हेट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन ओर न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में जिसमें वो भोजन को बनाते नहीं हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर फूड दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल तो हेट्रोट्राफिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है पत्तियों का रंग पत्तियाँ रंगीन नहीं होती हैं ग्रीन नहीं होती हैं क्लोरोफिल नहीं होता है तो इनको हम कहते हैं आटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनके जितने भी प्लांट्स होंगे कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स और आटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें होता है उनको हम कहते हैं ऑटोट्राप्स हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्राप्स ऑर्टोट्राप्स मतलब ये अपना भोजन बनाते हैं और हेटरोट्रॉप्स मतलब ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स इसमें आएंगे एक एग्जाम्पल में अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यार हेट्रोट्राप्स ये हेट्रोट्राप्स जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं हाट्रोट्राप हेट्रोट्राप्स अब हेट्रोट्राप्स जो हैं ये वन टू ये देखिए आप हेट्रोट्राप्स वन ए टू ए थ्री ए फोर ये चार प्रकार के होते हैं पाला है पैरासिटिक प्लांट पैरासाइट पैरासाइट का मतलब क्या होता है सारे पैरासिटिक प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स पैरासाइट कौन होता है अब पैरासाइट समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया वो मिठाई लेके आया तो आप खुश हो जाते हो कि मिठाई लाया है उसको आप उसी खतरदारी करते हो तो जो आया है वो आपके यहाँ खाना खाएगा आप होस्ट हो और वो जो आया है वो पैरासाइट है जैसे सर में जुएँ पड़ जाते हैं सर में जुएँ पड़ जाते हैं तो जुएँ क्या हैं पैरासाइट हैं और आप क्या हो होस्ट हो तो होस्ट पैरासाइट जहाँ पर पैरासाइट का लाभ होता है होस्ट का नुकसान होता है जैसे अमरबेल अमरबेल आप देखे होंगे किसी पेड़ पर आम के नीम के पेड़ पर वो पैदा हो जाती है और उसी ट्री से इट एब्जॉर्ब इट्स फूड मटेरियल, और वो बढ़ती रहती है दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिन प्लांट्स में होता है उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स और ये सेप्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं डेड और डेड और डिकेइंग मटेरियल पर पैदा होते हैं जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया आप ब्रेड लाते होंगे मार्केट से आप देखिए कुछ दिन रख दिए नहीं इस्तेमाल किए तो क्या होता है वो ब्रेड में फंजाई लग जाती है आपको काला काला दिखाई पड़ता है आज का आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे ब्लैक फंगस तो फंगस ही होता है वो इसलिए ब्लैक फंगस से अगर बचना है तो बच्चों कोई आम है टमाटर है सब्जी है आप ला रख दिए उस पर फिर सड़ना शुरू होता है काले काले धब्बे पड़ जाते हैं उन काले काले धब्बे जो हैं वही आपके ये फंजाई होते हैं ब्लैक फंजाई। इसलिए अगर ब्लैक फंगस से बचना है तो आप कोई भी ऐसी फल सब्जी मत खाइए जिसपे सड़न पैदा हो गई है वो काले काले रंग का हो रहा है टमाटर जो सड़ता है देखो काले काले रंग का हो जाता है गोला गोला होता है तो ये सप्रोफाइट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जब डेड होता है मरता है या डीके करता है सड़ता है तो उस पर उससे अपना भोजन लेते हैं नाउ नंबर थ्री नंबर थ्री है इंसेक्टीरस प्लांट इंसेक्ट माने इंसेक्ट होता है ओरस माने खाना इंसेक्ट को खाने वाले पौधे इनको कॉमनली हम कहते हैं इंसेक्टीर्स इंसेक्टिस् इंसेक्टीर्स ये जो इंसेक्टिश होते हैं ये प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं इनके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर uh, होता है कि ये उस इंसेट को उसमें पकड़ लेते हैं जाल बनाते हैं पकड़ने के बाद उसको डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं ये नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की पूरी उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है तो इस तरह से ये इंसेक्टोरस प्लांट जैसे एग्जाम्पल हैं पीचर प्लांट घड़े की तरह से होता है पीचर प्लांट वेनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल्स हैं इसके इंसेट प्लांट्स के अब आप नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है सिम्बियाटिक प्लांट सिम्बियाटिक सिम्बियाटिक एक रिलेशनशिप होता है सिम्बियाटिक प्लांट्स को हम इन जनरल कहते हैं सिम्बियाटिक प्लांट्स को हम बोलते हैं सिम्बियांट सिम्बियाट जैसे एलगा है फंजाई है एल्गा फंजाई सिम्बिया जो है एक रिलेशनशिप है दिस इज़ ए रिलेशनशिप इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वो एग्जाम्पल दिया आप यहाँ कोई रिश्तेदार आया खूब ढेर से मिठाई लेकर आया आप बड़े खुश हुए आपने उसकी मिठाई खाया उसके बदले में आपने उसको अच्छा अच्छा भोजन कराया तो दोनों का फायदा हुआ होस्ट आप हुए पैरासाइट वो है लेकिन यहाँ पर होश पैरासाइट नहीं है वो मिठाई लाया आपके लिए और आप उसके लिए भोजन बढ़िया बढ़िया बना रहे हो तो एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन है उसने कुछ दिया आपने कुछ दिया जैसे एलगी और फंजाई हैं ये साथ रहते हैं फंजाई क्या करता है ये वाटर और मिनरल एलगी को देता है वाटर एंड मिनरल्स और एलगी क्या करता है ये वाटर और मिनरल्स पा करके वो बनाता है फूड क्योंकि एलगी में ग्रीन क्लोरोफिल होता है सनलाइट के उपस्थिति में और ग्रीन क्लोरोफिल की उपस्थिति में इस वाटर और मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाता है तो फंजाई भी खाता है एलगी भी खाता है फंजाई भी खाएगा एलगी भी खाएगा तीस इसको हम कहते हैं सिम्बियाटिक प्लांट तो बच्चों पैरासिटिक हो गया सेप्रोफाइटिक प्लांट हो गया इंसेक्टिवर्स प्लांट हो गया और सिम्बियाटिक प्लांट्स हो गया इतने टाइप के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं अब हम आपको बताएंगे कि ये इनकी साइकिल कैसे चलती है <coughs> साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द दॉयल साइकिल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द दवाइल जैसे आप देखिए यहाँ पर मिनरल सॉल्ट्स सोयल सॉयल के अंदर होता है पौधे कहाँ उगते हैं सॉइल के अंदर उसमें मिनरल सॉल्ट होते हैं और ये मिनरल सॉल्ट प्लांट में रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं भोजन इसलिए इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर नंबर वन हुआ अब ये प्रोड्यूसर मतलब पौधे अपनी पत्तियों में इन्होंने भोजन बनाया और इस भोजन को खाया कौन कंज्यूमर ये नंबर दो हुआ कंज्यूमर आप खाते हो सब्जी खाते हो रूट खाते हो स्टेम खाते हो फ्लावर खाते हो जड़ खाते हो सब कुछ खाते हो पौधे का तो पौधा क्या हुआ प्रोड्यूसर प्लांट्स क्या हुए प्रोड्यूसर ये प्लांट्स जितने हैं दे आर प्रोड्यूसर्स एनिमल्स जो हैं दे आर कंज्यूमर प्लांट के द्वारा बनाए हुए भोजन को खाते हैं चाहे मैंगो हो चाहे वेजिटेबल हो चाहे कंडीमेंट्स हो, चाहे जो हो। अब एक कंज्यूमर कंज्यूमर प्लांट्स अगर पैदा हुए हैं तो मरते भी हैं मरने के बाद क्या होता है डाई होते हैं ये डिकम्पोज होते हैं सड़ते हैं गलते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा डिकम्पोजिशन का कार्य बैक्टीरिया और फंजाई करता है अभी बैक्टीरिया और फंजाई इन प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है और सॉयल में मिला देता है फिर सोयल से मिनरल सॉल्स प्लांट के रूट के द्वारा एब्जर्व होता है फिर फल बनता है सब्जी बनती है प्लांट के द्वारा एनिमल द्वारा खाया एनिमल के द्वारा खाया जाता है फिर मरने के बाद प्लांट एनिमल के ये डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया फंजाई उनके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं वो सोयल मिल जाता है तो इस तरह से साइकिल बराबर चलती रहती है तो इन शॉर्ट हमने आपको आज ये बताया कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है बच्चों जो भी हमने समरी बनाई है इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा और कापी पर बना लीजिएगा और पूरी साइकिल आप समझिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं हमारे शरीर के अंदर कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं जिससे हम जिंदा हैं हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है कोई गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है हमारी शरीर भी हमारा शरीर भी एक इंजन है इट वर्क्स लाइक इंजन एंड दिस इंजन इज डिपेंडेंट ऑन द फूड दिस फूड इज़ कन्वर्टेड इंटू द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नेसरी टू कंडक्ट ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस तो इस तरह से कल ये आपका पीरियड नहीं चल पाया था साइंस का इसलिए आज हमने सोचा ये आपको ये कल वाला साइंस जो आपको हम पढ़ा दें इसको ध्यान से पढ़िएगा बहुत बेसिक चीज़ है ये थैंक यू वेरी मच